दास दासी जैन सिंह मेरी गवाही मेरे डैडी होना दी है कि जहाँ आज तो 3 महीने पहला जिदा पासी होना रात को सानू फोन आया कि किदा तुसी अज घर फोन किया अंकल होनी किदा इंज क्या भी ठीक है वधिया आ ते मतलब कहिंदे भी तुसी उन्हां नू दुआ च जरूर याद रखना ते कहिंदे मैं भी मतलब हर टाइम उन्हां लई दुआ करांगा जाने के 2 हफ्ते पहला उन्हां नू अटैक होया जिदा हार्ट का तो रात को 12 बजे तो उन्होंने होस्पिटल जिदा लेके गए पर जड़िया जिदा उन्हें चैकअप किया सारिया रिपोर्टा जड़िया नॉर्मल आईया तो 5-4 दिन उन्हें होस्पिटल रखिया तो छुट्टी मिल गई उन्होंने तो घर बच्चे ठीक ठाक है। एक गवाही मेरी जिदा होर आ मेरे पासपोर्ट की आ जिदा मेरा पासपोर्ट रीन्यू करवाने वाला सेगा 5-4 महीने हो गए सानू जिदा अपॉइंटमेंट लभने पर मिल नहीं रही सी तो जिदा असी मानव का पासपोर्ट पहला रीन्यू करवा दिता स ते अस मैं ते रोहन उन्हां दा पासपोर्ट लैन गए उत्थों ते मैं नाल अपने डाकूमेंट भी लै गया मैं क्या भी इदा कर दे भी शायद आपां नूं अपॉइंटमेंट थोड़ी लागे दी मिल जावे जदों नवंबर दी अपॉइंटमेंट मिली सी ते जद असीं उत्थे गए ते मैं ते रोहन सीगे रोहन कहिंदा पापा उत्थे ही जाणा मैं कहा उत्थे ही जाणा कहिंदा पापा वो बंदा गल तां सुणदा नहीं मैं कहा यार मैं कहा भी कोई नहीं चलदे आ कुछ तां करू होऊगा जी मैं कहा भी कस्तूरे च भी देख लई और जिहड़े भी दफ्तर आ उन्हां च तूं देख लई इदा का ही बंदा नहीं गेट से खड़ा करना जो हर टाइम खिजा ही रहे कोई दूसरे की गल नहीं सुनता वह कहता पापा वो गल नहीं सुनता मैं कहा कोई नहीं चलते हैं असी मानव का पासपोर्ट लिया उधरों तो दूसरी साइड से मैं अपने डॉक्यूमेंट नाल लै गया जिदा असी तो जाने के गए थे सानू अपॉइंटमेंट थोड़ी पहला मिल जाए जिदा डैडी तक मैं पेपर नाल लेके गया हॉस्पिटल का तो उन्हें पूछा कहता भी थोड़े किदा अपॉइंटमेंट कदों की है मैं कहा भी 7 नवंबर की है कहता कुछ नहीं हो सकता ईमेल पर भेजो असी क्या भी असी ईमेल पर भेजा भी तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहता नहीं कुछ नहीं होना तुसी जो मर्जी जिदा कहना मर्जी खड़े रहो जो मर्जी कर लो तुसी भी यदा कुछ नहीं हो सकता तो असी खड़े रहे 2 लेडीज़ सीगियां मेरे नाल तो जिदा अपनी टिकट भी बना के लेके गई सी सेम अपॉइंटमेंट मेरी भी जिदा साड़ी सेम ही सी नवंबर की तो कुछ टाइम खड़े रहे दो घंटे खड़ा रहा मैं रोहन भेज दिता मैं कहा रोहन तू गड्डी चल जा तो यह कहता पापा मैं चलदा गड्डी मैं कहा कोई नहीं मैं इतने खड़ना मैं कहा भी पुत थानू नहीं पता है भी तुम तुहानू किदां इत्थे लैके आंदा है मैं कहा उदो आ तां चल हुण इत्थे ही खड़दे मैं कहा उदो जदों तुसीं अपने सियोर नाल लैंदे हुंदे साडे कोल कुछ हुंदा भी नहीं सी इदां ही रात नूं 3 बजे जाके उत्थे कस्तूरे मोड़े खड़ जाणा ते मैं कहा इदां दे हालातां च आपां अस तुसीं इत्थे आए हो हां भी चल कोई नहीं जो भी कुछ होऊगा बेस्ट होऊगा और वधिया होऊगा ते मैं दुआ कर रहा सी उत्थे मैं कहा खुदावन मैं कहा भी पास्टर अशीष दे मस्से दे हेठ आके मैं दुआ करदा मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी कल्ले कल्ले परसन दे उत्ते ए दया दा आत्मा आवे मेरे खुदावन पिता तू कर सकदा मेरे खुदावन पिता तेरे तो कुछ भी अणहोना नहीं हैगा तो दुआ की जिदा उत्थे खड़े रहे जिदा मैं उन्होंने जिहड़ी मेरे मूहरे लेडीज सीगियां अरमानियां सीगियां उन्हें कहिंदे की प्रॉब्लम मैं कहा इदां करके आ और खुदा ने इन्ना बेस्ट किया स्वर्गी दूत उन्हां दे विच सीगे वो जदों भी अपनी गल करदियां सी तां मेरी गल जरूर नाल करदियां सीगियां तो 12:30 हो गए तो जिदा कह लो भी सारिया अपॉइंटमेंटा खत्म हो चुकिया असं 3 जने उत्थे खड़े सी ते एक मूहरे होर लेडी सी वो सिर्फ 12 साल तो जिहड़े थले बच्चे उन्हां दी जाने की अपॉइंटमेंट लें पासपोर्ट जमा कर दी सी ते वो एक दूसरे को कहन लग के कहिंदे भी इन्हां दा की करिए ते वो कहिंदे चल कोई नहीं मैं अंदर जाके पुछ के आनी हाँ पता नहीं वो एक गेड़ा ही कट के आ गई तो कहिंदी आ जाओ तुसीं सारे जने अंदर तो मैं गया तो सीगा अपनी अपॉइंटमेंट जाने की थोड़ी लागे की करवाण पर उन्हें मेरा पासपोर्ट ही जमा कर लिया कहते 1 महीने बाद अपना पासपोर्ट लिया।